हमारे बहुत सारे भाई और बहनें कुछ इस तरह का जिस्म उनका होता है कि हाथ लगाएं तो हाथ आपको उनका ठंडा ठंडा सा फील होगा, या एक दूसरा मसला उनके साथ चल रहा होता है कि उनको पसीना नहीं आता। तो आज की वीडियो ऐसे अफराद के लिए होगी कि जिनका जिस्म थका थका सा रहता हो, जिस्म ठंडा ठंडा सा रहता हो और उनको एक अजीब सी कैफियत उनके दिमाग के अंदर चल रही हो कि उनका भी जिस्म जो है वो गर्म फील होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भाई के जिनके साथ अब आप हाथ मिलाते हैं तो हमें समझ आ रही होती है कि इनके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ मिलाने के साथ किसी दूसरे को महसूस हो कि वाकई यार इसके जिस्म के अंदर कुछ एनर्जी है, कुछ गर्माइश मौजूद है, तो फिर आज की वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। बहुत सारे भाई और बहनें अपनी खुराक के अंदर बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके जिस्म के अंदर की जो एनर्जी है, जो मामलात होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको जिस्म के अंदर बिला वजह थकन का हो जाना, थकावट का हो जाना, इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कलीए मुरक्कब के बारे में। बाद अफराद इसको कुश्ताए कली भी बोल देते हैं। अगर आप अशरफ वालों का या किसी और अदारे का लेंगे तो उसका होगा कुश्ताए कली के नाम से। अगर आप कशी का लेंगे तो कलीए मुरक्कब के नाम से या मुरक्कब कली के नाम से ये चीज़ मार्केट के अंदर एक सफूफ सा एक पाउडर नमा चीज़ जो है मार्केट के अंदर आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। नाज़रीन, इसके फ़वाद के बारे में अगर बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे नौजवान लड़के जो कि अपने जुमला अमराज, जो कि अंदरूनी तौर पर अपने कुछ मामला जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे होते, उसके अंदर औलाद का ना होना, जरासीम की कमी, या फिर ज़हनी तौर पर यही कंडीशन सेम ख़वातीन के अंदर भी अंडों का ना बनना, या अंडों के जो साइज़ है उसका प्रॉपर सही तरीके से तैयार ना होना, या अंडे का अखराज ना होना, या फिर ऐसी ख़वातीन जो कि अपनी ज़हनी तौर पर जो है वो मर्द के साथ जो नहीं होती, इस तरह के मामला जो है मैं अशारतन आपको बता रहा हूँ। ऐसे मर्द और ख़वातीन जिनका जिस्म ठंडा ठंडा सा रहता हो और पसीना भी ना आता हो, वो कलीए मुरक्कब को इस्तेमाल कर सकते हैं। कलीए मुरक्कब को इस्तेमाल कैसे करना होगा, इसकी खुराक क्या होगी, कौन से अफराद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे अफराद के जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता हो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, फीड करवाती हुई माएँ भी अपने बच्चों को जो फीड करवा रही हैं वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसके अलावा मर्द और ख़वातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या होगा। आपके पास इसके साथ खमीरा गाउसवान सादा होना चाहिए, किसी भी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर मर्द हजरात जो हैं वो ख़ास तौर पर अगर उनके पास मजूने आद खरमा मौजूद है तो फिर उनका मसला उसके साथ हल हो जाएगा। मजूने आद खरमा के साथ मर्द हजरात जो हैं वो 5 या 10 ग्राम मजूने आद खरमा के अंदर इसकी एक रत्ती डालेंगे, एक रत्ती जो है वो लेंगे और वो उसके ऊपर मिलाकर मिक्स करके 24 घंटे में एक ही खुराक आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 2 से 3 खुराक के अंदर आपको इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ बाद अफराद इस तरह के भी देखे गए हैं कि जिनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे थे लेकिन वो काले होने शुरू हो गए। बाद अफराद ऐसे भी देखे गए जिनके जिस्म के अंदर थकावट, दर्दों की शिकायत थी, वो भी उनका मसला हल हो गया। या इसके अलावा ऐसे मर्द और ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, अपने उन मामलों को ठीक करने के लिए भी आप कुश्ताए कली ख़वातीन जो है वो मजूने आद खरमा को इसके साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो खमीरा गाउसवान को इस्तेमाल करेंगी। मर्द हजरात अपनी तबीयत के हिसाब से मजूने आद खरमा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खमीरा गाउसवान को भी, दोनों में से जो चीज़ आपको आसानी के साथ दस्तियाब हो, 5 या 10 ग्राम वो लेंगे, उसके अंदर एक रत्ती मिलाकर 24 घंटे में एक ही खुराक लेनी है। अगर साथ के अंदर आप नीम गर्म दूध ले लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसका किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता ऐसे अफराद जिनको जिल्द का कोई इशू हो, या फिर जो 2-4 अफराद जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा तमाम के तमाम मर्द और ख़वातीन हज़रात इसको इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर सेहत के हवाले से आपको मफीद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।